बहुत ही मतलब जो है आसान है हमारा टॉपिक। वो हमारा टॉपिक रिलेटेड है मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज। मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज, मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज। मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज की मीनिंग क्या है, ये क्या होता है, मैं आज आपको बताता हूं। मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज का जो है मकसद ये है कि टू अरेंज मेंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इन्हें सबस्टेंस। ये जो हमारा हेडिंग है मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज, इसका मकसद ये है कि बड़े मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो खुद को जब तरतीब देते हैं तो उस तरतीब को हम मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स। अब सवाल पैदा ये होता है कि वो बड़े कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद सवाल ये भी पैदा होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं बड़े मॉलिक्यूल्स वो कैसे एक दूसरे को तरतीब देते हैं, ठीक है, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज कहते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं लिपिड ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये तरतीब खुद को कैसे देते हैं, देखिए फर्ज करें यहां पे लिपिड है, लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसके साथ अगर कोई और मैक्रो मॉलिक्यूल आकर कंबाइन हो जाए, इसके साथ आके जुड़ जाए, फर्ज करें कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बो हाइड्रेट, ठीक है, प्लस का मतलब है एडिशन, एडिशन ऐड होना, मतलब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया, ठीक है, दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके बाद प्रोटीन प्लस प्रोटीन, ठीक है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ असेंबल हो चुके हैं, तरतीब में आ चुके हैं, ठीक है। पहले लिपिड है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद प्रोटीन है। अब कहने का मकसद यह है कि सेल को जब भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स उसी हिसाब से खुद को तरतीब दे देते हैं। फर्ज करें अगर सेल को पहले लिपिड चाहिए तो पहले लिपिड आ जाए, ठीक है, उसके बाद सेल को कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो लिपिड, लिपिड के बाद कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट के बाद सेल को प्रोटीन चाहिए तो उसके बाद प्रोटीन आ जाएगा। अगर फर्ज करें कि सेल को पहले प्रोटीन चाहिए था, उसके बाद लिपिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ इस तरह तरतीब होगा, प्रोटीन प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो डिपेंड करता है सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर, सेल के फंक्शंस के ऊपर, कि सेल को किस हिसाब से, किस तरतीब के साथ उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो उसी हिसाब से मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खुद को तरतीब दे देते हैं। इसी का नाम है मैक्रो मॉलिक्यूलर असेंबलीज। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी ऐड कर दूंगा, अगर आप मुझसे पर्सनली सवाल